धोखे की इस नींव पर बना ये समाज हमारे इश्क को कभी मंजूर नहीं करेगा। कहाँ भागी जा रही हो? लड़की भी ना बहुत जिद्दी है। नफरत से भरे इस जमाने को अपना इश्क दिखाने का अगर यही एक तरीका है तो मुझे मंजूर है। मेरे रोमियो आओ और मुझे अपने प्यार से जिंदगी दे दो। जूलियट, ये तुमने क्या कर दिया? क्या मेरा इश्क इस काबिल भी नहीं रहा कि इस दोगले समाज का सामना कर सके? मेरे सासों की वजह तुम ही तो थी, अब तुम ही नहीं रही तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। समाज के नियम इश्क नहीं समझते और तुम्हारे बजदाद प्यार ने हर एक सीमा को लांघा है। Parting is such a sweet sorrow. अगर अपने घर वालों को ठीक से मनाते तो शायद वो मान ही जाते। अब चले अनन्या। अनन्या चले। मम्मा, क्या मुझे भी अपना रोमियो मिलेगा? अच्छा बच्चों, अभी प्ले देखे हुए एक घंटा भी नहीं हुआ और अभी से रोमियो के ख्याल आने लगे। मम्मा, क्या मुझे भी अपने रोमियो के लिए जहर वाला पानी पीना होगा? इतनी जल्दी इतनी आगे की मत सोचो। हर बार अपने प्यार के लिए मरना ही नहीं पड़ता। ठीक है मम्मा। I must be gone and live or stay and die. मतलब क्या माँ? मतलब बच्चे, अपने आप को एक ही इंसान के दायरे में मत बांधो। अभी बहुत लाइफ जीनी बाकी है तुम्हें, ठीक है? लेकिन वो समाज वाले अंकल ने आपको और पापा को भी दूर करना चाहा। अच्छा अभी चलो, रात होने वाली है और फिर होमवर्क करने क्या तुम्हारा रोमियो आएगा? चलो। मैं अगर प्ले बनाती ना तुम समाज वाले अंकल को तो निकाल ही देती।
मेरी रात तुमसे ढलती है और दिन तुमसे शुरू होता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अनन्या पहले दूध पी लो ना, ठंडा हो जाएगा वो। चलो। ये समाज हमें दूध दूध कर रहा है। मैं धरती में समा जाऊंगी। फिलहाल अपने बिस्तर में समा जाओ। चलो कल सुबह जल्दी उठाऊंगी तुम्हें। पापा भी तो आने वाले हैं ना, फिर हम सब मिलके कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है? हाँ। मम्मा क्या हर किसी को रोमियो मिलता है अपने लाइफ में? अनन्या अभी सो जा, आज बहुत सवाल हो गए। गुड नाइट। ओ रोमियो। ऐसे कहीं से भी मत आया करो, किसने देख लिया तो शक होगा ना। चलो। अरे Parting is such a sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. कल से विंटर ब्रेक शुरू होने वाले हैं। अंशु, तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं ना लेटर्स लिखूंगी तुम्हें घर से। हमारा प्यार मॉडर्न हुआ तो क्या हुआ? प्यार करने का तरीका तो पुराना रह ही सकता है ना।
हेलो, हाँ अभी लैंड किया तुमने? घर कब तक पहुँचोगे? नहीं वो सो रही है। नहीं आज स्कूल नहीं है ना उसका? हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता किसने कब देख लिया हमें, तुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग मुझे यहां से नहीं आने देंगे? मेरी शादी करा रहे अंशु, क्या मतलब ठीक से समझाया होता तो समझ जाते। मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैंने सब समझाने की कोशिश कर ली, तुझे पता है मैं घर वालों को छोड़ के तेरे साथ नहीं आ सकती। सब कुछ खत्म हो गया अंश, मैं पता नहीं कैसे किसी भी आदमी के साथ शादी कर रही हूं।